ऐसा न हो कि क़यामत के दिन लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहे उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत आ रही है, मेरी उम्मत आ रही है, और अल्लाह की तरफ से कहा जाए नहीं नहीं ये तुम्हारी उम्मत नहीं है। आप फरमाए नहीं नहीं मेरी उम्मत ही के लोग है। फरमाए इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, तुझे नहीं मालूम, अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा तुझे नहीं मालूम कि आपके जाने के बाद इन्होंने क्या क्या बिगाड़ पैदा की थी, क्या क्या बिदत ईजाद की थी, तेरे लाए हुई दीन को कैसे इन्होंने बिगाड़ा था, तुझे नहीं मालूम, इसलिए ये तुम्हारी उम्मत नहीं है, ये तुम्हारी उम्मत में शुमार नहीं है। तुम्हारी उम्मत तो वो होगी जिन्होंने आपका इत्तेबा किया है, जिन्होंने आपकी इताअत की है, जिन्होंने आपकी बात मानी है, जिन्होंने आपको नमूना बनाया है। क्या हमने वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया है? तो जवाब यही है कि हमने नहीं बनाया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना नहीं बनाया। हम मोहब्बत के दावे करते हैं, इस मोहब्बत पर हम क्या करते हैं, हम जाके जब फ्रांस में कोई कार्टून बने तो हम जाके यहाँ अपनी बसों के अड्डों को जलाते हैं, अपने बिल्डिंग्स को आग लगाते हैं, यहाँ अपने लोगों को मरवाते हैं, अपनी सड़कें बंद करते हैं, बाकी आकर हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कुछ भी नहीं होता। मेरा घर भी खाली है, मेरा दिल भी खाली है, अमल से खाली है, तो मोहब्बत कहाँ है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।